नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल, आपकी आवाज़। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्वेता चौबे के निर्देशों के पर पुलिस ने फरार आरोपी के घर पर ढोल की धुन पर कराई कुर्की की उद्घोषणा। दहेज प्रकरण में फरार आरोपी के घर ढोल लेकर पहुंची पुलिस। कोटद्वार न्यायालय J00 कोटद्वार द्वारा जारी 82 CRPC नोटिस तथा गैर जमानती वारंट अभियुक्त अमित कुमार पुत्र प्रदीप कुमार निवासी गली नंबर 2 भारत विहार कॉलोनी थाना बिजनौर उप्र संबंधित वाद दहेज प्रतिषेध अधिनियम चालानी थाना कालागढ़ में अभियुक्त अमित कुमार न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहा था। न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध NBEE तथा उद्घोषणा के लिए 82-00 संहिता का नोटिस जारी किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी श्रीमती श्वेता चौबे के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक कोटद्वार श्रीमती जया बलोनी व पुलिस उपाधीक्षक विभव सैनी की पर्यवेक्षण व थानाध्यक्ष कालागढ़ अमरजीत सिंह के नेतृत्व में आज 82 CRPC की कार्यवाही हेतु भरत विहार कॉलोनी बिजनौर उत्तर प्रदेश में कालागढ़ पुलिस टीम द्वारा मुनादी की गई और नोटिस को अभियुक्त के घर पर चस्पा किया गया। सुनो सुनो सुनो, अमित कुमार पुत्र प्रदीप निवासी भरत विहार कॉलोनी बिजनौर, इसके खिलाफ थाना कालागढ़ पर दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज है। अमित कुमार लगातार फरार चल रहा है, इसलिए न्यायिक मजिस्ट्रेट कोटद्वार के आदेशानुसार दिनांक 18/9/23 तक कोटद्वार कोर्ट में हाजिर हो जाए, नहीं तो 1 माह के बाद इसे दर्जी कुर्की की कर दी जाएगी।